दही चीजों पर सब पे टैक्स। और भोले बाबा की करते हो पूजा कि नहीं करते हो? सोमवार है, संभल के तुम चढ़ाना नहीं, टैक्स के चक्कर में तुम भी जेल में चले जाओ। नहीं, ये मानते हो कि दूध पे टैक्स है? मान लो भोले बाबा पे चढ़ाना है दूध, तो टैक्स दो कि चढ़ाओगे दूध के नहीं चढ़ाओगे? कहाँ बताइए भारत में टैक्स हटा दूध तब चढ़ेगा दूध? अगर आप भ्रष्टाचार बोल रहे हो तो रेट बताओ मुझे आप। रेट सब नहीं, मैं खुद महसूस करता हूँ कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। अभी संस्था अभियान चलाएगी और बहुत जल्दी रणनीति तय होगी आगे क्या करना। और मैं कहूँगा, आपके माध्यम से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। सर रामनाथ कोविंद रिटायर आज हो गए हैं, तो राष्ट्रपति जो अब रिटायर हो रहे हैं वो बिल्कुल पड़ोस के हैं, और उनके रहते रहते उनके समाज और उनके तबके के लोगों में बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता। क्योंकि इस बात का तो गर्व हो सकता है समाज को कि उनके समाज का राष्ट्रपति बना, ये गर्व है, ये खुशी है। लेकिन सवाल ये है, क्या राष्ट्रपति बनने से उनके समाज का कुछ उत्थान हुआ है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए राष्ट्रपति रिटायर हो रहे हैं, अच्छा है, कार्यकाल था, अब अगले राष्ट्रपति बन रहे हैं, इनका कार्यकाल भी देखेंगे। लेकिन जहां बीजेपी होगी, बीजेपी किसी को बोलने नहीं देगी।